नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। कयामत किसे कहते हैं, ये बात सीपरी बाजार में रहने वाले दीपेश सक्सेना से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने पिछले 10 दिन में अपने दो भाई और मां को अपने सामने दुनिया से जाते हुए देखा है। एक हफ्ते में दो अर्थी उठाने का बोझ अभी दिल पर था ही कि उनकी मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब दुखों का पहाड़ टूटने के बाद दीपेश के घर में कोई दूसरा नहीं बचा जो मां की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जाता, लेकिन मोहल्ले के ही रहने वाले कुछ मुस्लिम युवकों ने उनका इस दुख की घड़ी में साथ दिया और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। महज 10 दिन में 3 मौत हो जाने से घर में सन्नाटा पसर गया है, लेकिन अब मां का अंतिम संस्कार करने के लिए घर में सिर्फ राष्ट्रतिलक सक्सेना का छोटा भाई दीपेश ही बाकी रह गया। जब उसकी मां की मौत की खबर मोहल्ले के मुस्लिम युवकों को मिली तो वे परिवार के सदस्यों की तरह ही उसके घर पहुंचे और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए अर्थी को कंधा देकर नंदनपुरा स्थित मुक्ति धाम ले गए और वहां अपने हाथ से ही उसकी चिता सजाई और पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब भी संभलिए और कोविड के नियमों का पालन करें। मास्क पहने, घर से तभी निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो, यदि निकले भी तो मास्क पहने। आप सभी लोग घर पर घर बैठे देखते रहिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें। कोविड की लगातार अपडेट्स और सरकार की सभी गतिविधियों पर होगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की नजर। और इतने कम समय में बुंदेलखंड न्यूज 24 को जो आपने प्यार दिया है और उसे नंबर 1 बनाया है, उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24, खबर हर पल की जो तहता।